नमस्कार, मेरा नाम सलोनी है और मैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से हूँ। मैं आज भारत पर्व के अवसर पर उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहने जा रही हूँ और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत का एक छोटा प्रतिबिंब है जो कि भारत की सारी विविधताओं को अपने आप में समेटे हुए है। ऐतिहासिक दृष्टि से भी उत्तर प्रदेश का महत्व अत्यधिक है। प्राचीन वैदिक काल से ही उत्तर प्रदेश का योगदान महत्वपूर्ण है। यह संतों, ऋषियों और कवियों की भूमि रही है। महर्षि विश्वामित्र, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, महर्षि भारद्वाज, गौतम ऋषि, सबकी जन्मभूमि उत्तर प्रदेश ही है। सांस्कृतिक एवं साहित्यिक परिप्रेक्ष्य में भी उत्तर प्रदेश का योगदान कहीं से कम नहीं आंका जा सकता। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, प्रेमचंद सभी ने इसी भूमि पर जन्म लेकर इसे गौरवान्वित किया। उत्तर प्रदेश राम और श्री कृष्ण की जन्मभूमि भी रही है। श्री राम जन्मभूमि अयोध्या उत्तर प्रदेश में बहुत महत्वपूर्ण है। राम मंदिर निर्माण कार्य जो अब आरंभ हो चुका है, यह भविष्य में प्रमुख तीर्थ एवं पर्यटन स्थल बनकर विकसित होगा। कृष्ण जन्मभूमि मथुरा के अनेक मंदिर यमुना के किनारे विश्व भर से लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करते हैं। पास ही वृंदावन का श्री बांके बिहारी मंदिर, प्रेम मंदिर व अन्य कई मंदिर अपने तीर्थ स्थलों में गिने जाते हैं। राधा रानी का बरसाना और उसकी होली विश्व विख्यात है। बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण अत्यधिक है। वाराणसी के निकट सारनाथ, जहां भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और उन्होंने अपना पहला उपदेश दिया था, यह भी बहुत महत्व रखता है। बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए कुशीनगर, जहां भगवान बुद्ध ने अपने जीवन के अंतिम दिनों को व्यतीत किया, वह कुशीनगर भी उत्तर प्रदेश में ही है। सारनाथ का महत्व जैन धर्म के मानने वालों के लिए भी कम नहीं। जैन धर्म के 11वें तीर्थांकर की जन्मभूमि भी सारनाथ ही है। पर्यटन की दृष्टि से ताजमहल भारत का सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला पर्यटन स्थल है। यह भी आगरा उत्तर प्रदेश में ही है। यहाँ विश्व भर से प्रत्येक वर्ष 70 लाख पर्यटक आते हैं। वाराणसी या बनारस को भारत की आध्यात्मिक राजधानी बोलना अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह संसार के सबसे प्राचीन नगरों में से है। बनारस, काशी या वाराणसी प्रमुख होने के साथ साथ आध्यात्म, जीवन और मृत्यु के रहस्यमयी सत्य को भी उजागर करता है। कुंभ मेला का आयोजन भी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में प्रत्येक 12 वर्षों में एक बार तथा अर्ध कुंभ का आयोजन प्रत्येक 6 वर्ष में एक बार किया जाता है। यह पूरे विश्व की हिंदू धर्म के अनुयायियों का सबसे विशाल आयोजन है। कुंभ मेला बृहस्पति ग्रह के 12 वर्षीय परिक्रमा के चक्र पर आधारित है और यह संगम स्नान के लिए विश्व भर में विख्यात है। अब कुछ रोचक तथ्य। उत्तर प्रदेश की जीडीपी अन्य कई देशों की राष्ट्रीय आय से अधिक है, जैसे बांग्लादेश, हंगरी, आइसलैंड इत्यादि। इससे भी अधिक रोचक तथ्य जो है, एक बड़ी सफलतम मूवी आई थी DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, तो उसमें एक घंटी दिखाई गई जो स्विट्जरलैंड में बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होती है, हमारे यहाँ से निर्यात होती है। वो जलेसर यूपी से निर्यात की जाती है। उत्तर प्रदेश भारत की सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। इतने सारे रंगों वाला हमारा यूपी स्वाद की दृष्टि से भी कम नहीं है। उत्तर प्रदेश में शाकाहारी हो या मांसाहारी, मुगलई, औध, सभी प्रकार के व्यंजन उपलब्ध हैं। अगर आपने यूपी की चाट, पूरी सब्जी, दाल भरी पूरी और कबाब नहीं खाए तो क्या खाया।
उत्तर प्रदेश को आप भारत का हृदय या भारत की धड़कन या भारत की जान कह सकते हैं। प्रदेश का योगदान भारत के किसी भी क्षेत्र में कम नहीं आंका जा सकता। बिना उत्तर प्रदेश भारत की कल्पना ही नहीं की जा सकती। और मैं समझती हूँ कि मेरा सौभाग्य है कि मुझे आज उत्तर प्रदेश के बारे में कुछ कहने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्यवाद।